बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, क्या क्या सच में होगी आपके कॉलेज की मान्यता खत्म, सभी कॉलेज की फिर से होगी जांच, क्या एडमिशन सही है अभी लेना। तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए वैसा जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हाँ जांच के आदेश दिए गए थे, तो मेरे ख्याल से एक बार जांच तो बैठनी चाहिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है जिन्होंने सेकेंड काउंसलिंग किया है, कंसिडर फॉर नेक्स्ट किया है। वैसे होना जाना कुछ भी नहीं है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे डूब जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एडमिशन अच्छे तरीके से हो रहा है तो आप अपना एडमिशन ले लीजिए। और रहा आपके कॉलेज की, कुछ कुछ कॉलेजों की मान्यता खत्म, अगर जिन जो लोग कॉलेज में गड़बड़ी हुई जांच में वो लोग गलत पाए गए तो ही उस कॉलेज की मान्यता खत्म होगी, वरना उस कॉलेज की मान्यता नहीं खत्म होगी। तो चलिए मैं आपसे एक बात और छोटा सा बात कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटू से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और अगर पुराने हैं तो आप मेरे लिए एक लाइक तो कर सकते हैं ना, तो एक लाइक कर दीजिए। फिर क्या है, सभी कॉलेजों की फिर से होगी जांच, तो बिल्कुल होने वाली है। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि राज्यसभा की तरफ से एक पत्र, गवर्नर की तरफ से एक पत्र आया है। वैसे अगर आपने आज की न्यूज़ नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ, तो हमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं रेणु रेणु करके उनका नाम है, वहाँ पे देखो जो भी बनने वाली है, थोड़ा उनका इंटरव्यू जाकर देखिएगा, बहुत अच्छी हैं आप देखिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि उनमें आपको क्या कमी लगती है और क्या अच्छी लगती है। फिर एक जो बन रहे, अभी दो उप मुख्यमंत्री आप यानी कि डिप्टी सीएम दो बनने वाले हैं, तो वहां जाकर देखिएगा उन दोनों में क्या आपको डिमेरिट दिखते हैं, ये न्यूज़ देखने वाला है। क्योंकि व्हाट्सएप पे और आपको यूट्यूब पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो आप एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। फिर क्या है, क्या एडमिशन लेना सही है, तो आपने अगर एडमिशन ले लिया है तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा नहीं है कि आपका, क्योंकि वो जो होना था वो पहले बार तक ही होगा। दूसरी बात कि ये लिस्ट जारी होगी आपके 28 तारीख को, 28 तारीख को लिस्ट जारी कैसे होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया, क्योंकि हर किसी के पास, मैं आपको फ़ी बता दूं, 2.38 लाख भी बच्चों से फ़ी लिए जा रहे हैं। अब कोई बच्चा इतना तो पे नहीं कर पाएगा ना, तो वो उन बच्चे क्या करेंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस तरीके से आपका जिस यूनिवर्सिटी में, पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा हो, जिस यूनिवर्सिटी में जितना सीट खाली होगा वो आपको दिख जाएगा। हो सके तो आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन दे। तो देखिए आगे क्या होता है, अगर कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी। ये जितने भी आपके सवाल थे उन सवालों का ये जवाब है। अगर और भी कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप कि आप अपना छठ अच्छे से इंजॉय करो और अच्छे से खुश रहो, हैप्पी रहो, आपका एडमिशन जरूर होगा अगर आपके कम मार्क्स भी है तो भी।